नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य SPC राजकीय महाविद्यालय अजमेर। विद्यार्थियों, आज हम BA पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और प्रथम प्रश्न पत्र में हम आधुनिक भारत का इतिहास 1740 से 1956 तक के इतिहास का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आज मैं आपको सिलेबस और कुछ पुस्तकों की जानकारी दूंगी। ये संदर्भ पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक नहीं हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। विद्यार्थियों, जो सिलेबस है वो अपन इस प्रकार बांटते हैं कि इस विषय के प्रश्न पत्र में 3 भाग होंगे। भाग ए में कुल 10 प्रश्न होंगे। परीक्षार्थी को सभी 10 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 10 से 20 शब्दों में देना होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इस भाग का जो कुल अंक विभाजन है वो है 20-20। भाग बे में एक आंतरिक विकल्प हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार के 5 प्रश्न होंगे। परीक्षार्थियों को 5 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न का अंक 4 है। इस प्रकार 4×5 बराबर 20, यानी 20 अंक का ये भाग है। ए भाग 20 का, बे भाग 20 का और तीसरा है सह भाग। ये कुल 60 अंक का है और इसमें 5 प्रश्न होंगे और परीक्षार्थी को कुल 3 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 400 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। तो विद्यार्थियों, पहली इकाई पानीपत का तृतीय युद्ध, उसके परिणाम, मराठों का महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के समय में उत्थान, मराठों अंग्रेजों में संघर्ष, मराठों की असफलता के कारण, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और उसके परिणाम, शासन प्रबंध में परिवर्तन 1772 से लेकर 1773 तक, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय जैसे मैसूर, पंजाब, अवध और ब्रिटिश सत्ता में संघर्ष और उसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलीनीकरण। इकाई 2 है पार्ट 2, 1857 का विद्रोह, कारण, प्रकृति, परिणाम, ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता का भारतीय रियासतों में विस्तार 1856-1947, स्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, भू राजस्व बंदोबस्त और किसानों पर उसका प्रभाव। अगला है धन निष्कासन और उसके परिणाम, ब्रिटिश सत्ता के आर्थिक प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण, नरम दल और गरम दल की भूमिका, भारत सरकार के 1919 तथा 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। विद्यार्थियों, पार्ट 3 या इकाई 3 में हम देखेंगे कि 1920 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, सांप्रदायिक राजनीति का विकास, भारत का विभाजन और भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्व, 1950 में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय डोमिनियन में देशी राज्यों के विलीनीकरण संबंधी समस्या और उनका विलीनीकरण 1947-49 तथा 1956 में इसका पुनर्संगठन। संदर्भ पुस्तकें हैं सुमित सरकार आधुनिक भारत 1885-1947, ताराचंद भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास खंड 1 से 4 तक, शर्माबास ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भारतीय प्रतिरोध और स्वतंत्रता आंदोलन, विपिन चंद्रा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, GN सिंह भारत का संविधान एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इस प्रकार हम इन संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास भाग द्वितीय 1526 से 1947, हुकमचंद जैन और कृष्ण गोपाल शर्मा, इस प्रकार ये पुस्तकें हमें लेनी हैं। तो विद्यार्थियों, आज मैंने आपके समक्ष आधुनिक भारत का इतिहास 1740 से लेकर 1956 तक
का जो सिलेबस है वो मैंने आपको दिया है। इति धन्यवाद। कल हम पहला चैप्टर करेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध और उसके परिणाम क्या रहे। थैंक यू।